अमृता, अमृता, अर्जुन के साथ या है ये कोई और? या इतनी बेशरम हो अमृता, बेशरम हो अमृता, इतना पानित होने के बाद भी आपने इस घर में आने की हिम्मत की? हमने तय कर लिया है तारे साहब, हम अपना हक लेकर रहेंगे। कोई फायदा नहीं होगा अमृता, क्योंकि अब तुम अपनी छवि सुधार नहीं सकती। हम अर्जुन को समझाएंगे। हम तुम्हें उन तक पहुंचने दे तब ना। हमारे रास्ते में, हमारे रास्ते में आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत महंगा। हम जानते थे अर्जुन आप जरूर आएंगे। कोई भी गलतफहमी हमारे प्यार और हमारे रिश्ते के बीच नहीं आ सकती। अर्जुन रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसा कोई काम मत कीजिए, चौक का दिल नहीं जाता। अर्जुन रुक जाइए, अगर इतनी नफरत थी हमसे तो हमें बचाया ही क्यों? इस गलत फहमी में मत रहना। हमने जो कुछ किया है इंसानियत के नाते किया है। आपके और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा। अमृता, इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास तो मणि है अमृता, और इस मणि के द्वारा आप कुछ भी मांग सकती हैं। तो फिर अर्जुन का प्यार क्या चीज है? बालिका, इस मनी से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं सिवाय तीन चीजों के, प्यार, खुशियां और मौत। इसे तुम हमारी बदकिस्मती कह सकती हो। ये तीन चीजें ना सही, पर बहुत कुछ है जो इस मनी से पाया जा सकता है। मतलब? हाँ, मतलब ये कि आप तो हमारी दोस्त है ना। अब देखिए ना, हमने तो आपके लिए इतना कुछ किया। आप एक काम कीजिए ना, इस मणि की सहायता से हमारे लिए एक बंगला बनवा दीजिए। हमारी बरसों की तमन्ना है कि हमारा भी बंगला हो। तुम होश में तो हो अम्बालिका? तुम जो कह रही हो वो नहीं हो सकता। क्यों? अम्बालिका, मणि एक दिव्य शक्ति है और इसका इस्तेमाल हम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उसके बदले हम तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें आपकी जान नहीं चाहिए। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप समझी नहीं हमारे मजाक को। हमें किस चीज की कमी है, बस आप खुश रहिए। हम आते हैं। अम्बालिका है तो हमारी, लेकिन उसकी आंखों में हमें मणि के लिए लालच नजर आ रहा था। मणि को हमें किसी सुरक्षित स्थान पर छुपानी होगी। कहाँ छुपाए? नागलोक या इंसानी लोक में तो हम नहीं छुपा सकते। त्रिकुण लोक, त्रिकुण, हाँ, त्रिकुण लोक ही वो जगह है जहाँ पर ये मणि सुरक्षित है। पर ये मणि सुरक्षित है, हमें जल्द से जल्द त्रिकुण, हमें जल्द से जल्द त्रिकुण लोक जाना होगा। यही वो कुंड है, यही वो कुंड है जिससे होकर त्रिकुण लोक जाया जा सकता है, त्रिकुण लोक जाया जा सकता है। स्वागत है महारानी जी, त्रिकुण लोकवासी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए,
हम यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं। आप जो चाहेंगी होगा। हम नागमणि को किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। ये अमरफल का वृक्ष है, त्रिकुण लोक की सबसे सुरक्षित और गुप्त जगह है। आप यहाँ अपना नागमणि रख सकती हैं। चाहते थे वो तो हो गया। यहां से मणि किसी दुश्मन के हाथों में नहीं जा सकती। इस ब्रह्मांड में कई सारे लोग हैं, जिसमें से एक है प्रचंड लोक और ये है नजूमी, प्रचंड लोक का महागुरु। प्रचंड लोक एक ऐसा शक्तिशाली लोक जो आज तक दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। एक ऐसा शक्तिशाली लोक जिसकी शक्तियों का कोई तोड़ नहीं। बरसों से नजूमी की एक ही तमन्ना है और वो है नागमणि को हासिल कर इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना। और आज उसका सपना साकार होने जा रहा है। सालों साल से जिस मणि की तमन्ना को लिए हम जी रहे थे, अब उस मणि को प्राप्त करने का समय आ गया है। अरे थर्राएगी ये धरती, कांप उठेगा ये आसमान। मणि को प्राप्त करने में मेरी मदद करेगी अग्नि, अग्नि, पवन, पवन और बरसारिका, और बरसारिका। इस प्रचंड लोक के ये तीनों महारथी जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। जब उन्हें कोई पहचानता ही नहीं तो उनकी शक्तियों का तोड़। असंभव। वो तीनों लाएंगे मेरे लिए मणि, खुशियां, खुशियां। Agni, 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 agni
हमारा कार्य संपूर्ण हुआ। ये है वो नागमणि। अब इसे कैसे प्राप्त करना है ये आप लोगों को तय करना होगा। इस नागमणि को प्राप्त करके आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो जाएंगे। हम आपके लिए जो कर सकते थे वो हमने किया अग्नि। धन्यवाद गुरुदेव। और तुम्हें अपने मकसद में सफल होने के लिए स्वयं कदम बढ़ाने होंगे वायु। हम समझ गए गुरुदेव। अब आपकी मंजिल नागमणि आपके सामने है मसाल का। धन्यवाद गुरुदेव। ये है वो पुस्तक जो तुम्हें उस चमत्कारी पत्थर नागमणि तक पहुंचने में तुम्हारी सहायता करेगी। वो नागमणि आपको कहां प्राप्त होगी उसका नक्शा इस पुस्तक में है। और वो जगह है पूरब दिशा में अर्थात भारतवर्ष। पर इतने विशाल भारत में हम नागमणि ढूंढेंगे कैसे? वो सब मैं नहीं जानता। मुझे जितनी सहायता करनी थी वो मैंने कर दी। क्या हुआ? तुम तीनों मुझे इस प्रकार क्यों घूर रहे हो? आपने हमेशा हमारी मदद की है और अब गुरु दक्षिण देने का वक्त आ गया। किसी काम कर रही है। और अब नागमणि का राज भी किसी को पता चलने का खतरा नहीं रहा। वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। हमें अभी इसी वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज नागमणि को हासिल करने के लिए फौरन निकल जाना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। पिंडदान की परंपरा जरूर निभाएंगे। इससे हमारी मां की आत्मा को शांति भी मिलेगी और नागमणि भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब तो दादी सा नागरानी है, क्या वो हमें नागलोक के अंदर आने देंगी? उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? धक्के मार के निकाल दो उन्हें यहाँ से। ऐसा मत कीजिए। हम यहाँ अपनी माँ का पिंडदान करने आए हैं। हमें पिंडदान कर लेने दीजिए।
ताकि हमारी माँ की आत्मा को शांति। हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद हम नागलोक में कभी नहीं आएंगे, लेकिन आज आज हमारी इतनी सी विनती आप मान लीजिए। विनती? जब हमने अपने बेटे को ना मारने की विनती की थी तो आपने हमारी विनती सुनी थी? आज जब अपनी बारी आई तो आंसू निकल पड़े? सैनिकों धक्के मार के निकाल दो इन्हें। हमारी माँ का पिंडदान हमारा हक है और ये करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। कंचन रस ग्रहण करके हमारा पिंड दान स्वीकार कीजिए ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले और मणि दुष्ट लोगों से सुरक्षित रहे। सिंहासन पर बैठ जाने से कोई नागरानी नहीं हो जाती। आप जानती हैं आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? हम आपको बताते हैं। नागमणि हमेशा नागरानी के पास ही रहती है क्योंकि आपके हाथ हमारे बेगुनाह माँ के खून से रंगे हैं। नियम और कायदे की दुहाई दे रही थी ना, तो नियम अनुसार एक इच्छाधारी नागिन होने के नाते अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहिए हमें आपसे, लेकिन हमने ऐसा नहीं क्योंकि आप अर्जुन की दादी सा है, लेकिन आप तो इस लायक भी नहीं है। इसीलिए हमने तय किया कि जिस तरह हमने रुद्र काकासा से अपने पिताजी और माँ की मौत का बदला लिया था, आपसे भी ठीक उसी तरह बदला लेंगे। रुद्रा को आप इसलिए मार पाए क्योंकि वो इंसान थे, लेकिन इस बार आपका सामना एक इच्छाधारी नागिन से। हम मणि भी हासिल करेंगे और आपको खत्म भी करेंगे। ये
नक्शे में जो मंदिर दिख रहा है वो कहाँ है? नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। बताओ! हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कि मंदिर कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। लगता है ये लोग हमारे किसी काम के नहीं। चाहिए इस मंदिर तक जाना है। रास्ता भटक गए हैं, कहां पड़ेगा ये मंदिर? ये तो भोलेनाथ जी का पुराना मंदिर है। कहां पड़ेगा ये मंदिर? ये 5 कोस दूर उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जल्दी ही नागमणि हमारे हाथ में हो। तुम लोग तुम तीनों यहां क्या कर रहे हो?
इस लोक में तुम लोगों को आने की आज्ञा नहीं है। हम यहाँ नागमणि हासिल करने आए। असंभव। संभव है, संभव है, संभव है, क्योंकि आप ही हमें उसे हासिल करने का तरीका बताए। तरीका, तरीका जानकार भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि नागमणि पर अधिकार सिर्फ नागों का ही है, और वो भी सिर्फ नाग लोग में ही मिल सकती है। उसकी रक्षा का भार नागरानी पर है, समझे? में सभी ये जानते हैं कि मणि नागरानी के पास रहती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मणि हमारे पास है, और सिर्फ हम ही जानते हैं कि मणि कहाँ है। मणि अब सुरक्षित है, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन की जिंदगी में कुछ बुरा हो, हमें उन्हें वापस पाने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। तो आज से हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अर्जुन को वापस पाना। लेकिन हमें कैसे पता लगा है कि अब अर्जुन कहाँ है? सिर्फ सपने होते, वो सच नहीं होते। आपके अर्जुन को कुछ नहीं होने वाला। नहीं अम्बालिका, हमें अर्जुन के पास जाना है। पता नहीं वो कैसे हाल में है। आपने वक्त देखा है? देखा कितनी रात हो गई है? आप कल सुबह चले जाइएगा, और वैसे भी आपने सिर्फ सपना देखा है। अम्बालिका, चलिए ले जाइए, कल सुबह चली जाइएगा। देखिए, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? देखो वो क्या है। हाँ
जल्दी आओ। उठाओ इसे, ले चलो। चमत्कार कर दो और इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। आप ठीक तो है ना? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अमृता, आपकी बेवफाई के बाद हम जिंदा हैं? हाँ अमृता। अमृता? ये अमृता कौन है? हम अमृता नहीं हैं। देखिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। आप जो भी हैं, आपको इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है। आप अमृता नहीं हैं? नहीं है तो कौन है आप? हम आस्था हैं। आप हमें सुगंधा नदी के किनारे बेहोश मिले थे। एक और धोखा। आप अमृता ही हैं। दूर जाइए हमारी नजरों से। मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है। इनकी बहुत देखभाल करनी होगी। कौन? कौन है वहां? शुरू होने जा रहा।
दिशा में चलते हैं। हमें अमृता को मात देकर उसका गुरूर तोड़ना होगा, मगर कैसे ये हम बताएंगे। कौन है आप? हम ऊर्जा हैं। एक इच्छाधारी नागिन है, अमृता की चचेरी बहन। इस दुश्मनी का कारण शामिल नहीं हो सकते।